सो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है। अब आप अपना फ़ोन उठा के मत चेक करो क्योंकि अभी आपके पास में नहीं आया। इंडिया के कुछ चुनिंदा शहरों में ही इसे लॉन्च किया गया है। अब धीरे धीरे 5G को हर घर तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें अभी बहुत टाइम है, ठीक है, तो इंतज़ार करो। हाँ, ये बात भी सच है कि 5G जो है वो 4G से फास्ट है। हाँ, वही ये बात भी सच है कि 5G हमसे पहले भूटान और केन्या जैसे देश इस्तेमाल कर चुके हैं। अब 4G से 5G कितना अलग है? 4G जो है उसकी स्पीड जो है, उसकी लेटेंसी जो है, स्पीड जो मिलती है वो 60 से 98 यानी 60 से 98 मिली सेकेंड्स की स्पीड मिलती है, लेकिन 5G आपको 5 मिली सेकेंड्स की स्पीड के साथ में आएगा, यानी तकरीबन 10 से 20 गुना फास्ट। आपके 3GB की मूवी जो होगी वो 1 सेकंड में डाउनलोड करने की क्षमता होगी 5G की, ठीक है, लेकिन उसकी जो एकदम पीक वाली स्पीड होगी वो डाउनलोड करके देगी, ठीक है, लेकिन वो कहाँ मिलने वाली है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 4G फोन्स काम करेंगे 5G आने के बाद में? तो हाँ, 4G फोन्स काम करेंगे क्योंकि 5G आ रहा है, 4G जा नहीं रहा है, ठीक है। एक बात और भी सच है कि 5G के आने के बाद में साइबर सिक्योरिटी और टाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि हैकर्स अब काफ़ी तेज़ी से हैकिंग कर पाएंगे, क्योंकि स्पीड जो होगी नेटवर्क की वो और फास्ट होगी, आपका डेटा फटाक से पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। अब 5G आ गया तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाएगा, इंटरनेट पर सर्च किया जाएगा, उसका जवाब भी मैं इस वीडियो में दे देता हूँ, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो सर्चेज होंगी वो यही होंगी 5G आने के बाद में कि 4G फोन्स में 5G कैसे इस्तेमाल करें। तो एक बात तो सच है कि आप 4G फोन्स में 5G इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल लो कि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके 4G फोन्स में 5G इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है, तो आपको 5G इस्तेमाल करने के लिए 5G फोन लेना पड़ेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें इसी तरीके की और वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।